स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी सिलाई सेंटर में। हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए घंटे को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम सीखेंगे ये खूबसूरत ब्लाउज का बैक नेकलाइन किस तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। देख सकते हैं आप हमारे पास चार तरह के कपड़े हैं, एक प्लेन और एक टिश्यू और एक कपड़ा। चलिए इसे कटिंग कर लेते हैं जो हम हमेशा करते हैं। एक नॉर्मल सा साइज लेते हैं, चेस्ट 36, कमर 30 का और शोल्डर 12 इंच। ये देखिए लंबाई 14 इंच हम लेंगे एक नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग। ये शोल्डर 12 इंच और सीना 36 का चौथा भाग 9 इंच एक्स्ट्रा और कमर 30 का चौथा भाग 7.5 इंच और एक्स्ट्रा। ये देखिए, चलिए इसे काट लेते हैं। ये देखिए, अब शोल्डर के पास हम 3.5 इंच चौड़ा एक मार्क करेंगे इस तरीके से। चलिए अब इस पर डिज़ाइन बनाते हैं, जो डिज़ाइन आपने लोगों में देखा। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये देखिए, चलिए इसे काट लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। ये देखिए, इसे हम डबल कर लेंगे। चलिए इसे काट लेते हैं। ये कट चुका है। ये उरेप का कपड़ा हमने आपको बताया था, चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये लगभग 1.5 इंच चौड़ी काटेंगे। दो पट्टियाँ काटेंगे, छोटी छोटी थी इसलिए इसकी हम पाइपिंग बनाते हैं। चलिए ये देखिए, पाइपिंग रख कर इस पर सिंगल फुट का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आपको समझ में नहीं आता हो कि पाइपिंग कैसे बनी है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बहुत ही विस्तार से उसमें बताया गया है। ये देखिए, ये अस्तर है। चलिए इसे हम इस पे स्टिच कर लेते हैं। बहुत ही आराम से बनाएं। ये देखिए, हमने स्टिच कर लिया है। चलिए इसे सेव कर देते हैं।
ये देखिए पाइपिंग जो हमने लगाया था बनाया था उससे हम यहाँ अटैच कर देंगे। चलिए यहाँ कोना बनाते हैं। ये देखिए यहाँ भी हम कोना नुमा बनाएंगे। चलिए यहाँ काट देते हैं ताकि वो पूरी तरीके से घूमे। ये वन साइड सेव करेंगे ताकि दूसरी साइड की मुड़ कर उसे कवर कर लेगी। अभी हम आपको बताते हैं कैसे। ये देखिए जो हमने कटिंग किया था उसे हम कवर कर देंगे और वहाँ पे कोना बहुत खूबसूरत बन जाएगा। ये देखिए कोने पे कटिंग कर लें ताकि वो आराम से घूम सके पट्टी। ये देखिए बहुत ध्यान से बनाए। ये देखिए ये पलट गई। अब येलो नेट का हम यूज करेंगे। ये देखिए एक रिबन टाइप का हम बनाएंगे। चलिए लगभग ये 10 इंच का हमने काट लिया है। चलिए इसे सेव कर देते हैं इस तरीके से। 6 इंच की चौड़ाई के हिसाब से हमने 6 × 12 इंच चौड़ा है, डबल की तो 6 इंच हो गया। इसे हम सिल देंगे। और इसे पलट देंगे। ये देखिए हमने पलट दिया उसे, सिलाई अंदर हो गई। चलिए इसे बीच में हम प्लेट्स दे देंगे बहुत ही घना ताकि इस पर दो बटन्स लग सकें। ये देखिए रिबन टाइप का बन गया। चलिए इसे हम अटैच कर देते हैं, सिल देते हैं। ये देखिए ये तैयार है और इसके बीच में हम वो रिबन फिट करने वाले हैं। ये देखिए इस तरीके से। बीचों बीच हम लगाएंगे इसे। ये देखिए एक साइड हमने फिट कर दिया है। ये अब दूसरी साइड। Thank you.
ये दूसरी साइड हमने फिट कर दिया। देखिए और अब ज़्यादा काम बाकी नहीं है। ये बढ़ती कपड़ों को आप शेप कर दें, इसका कोई काम नहीं है। ये देखिए हमारे पास एक लेस है, बहुत ही सस्ती सी, ये आप जाकर मार्केट में आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगी, जाकर आप ले सकते हैं। और इसे हम खूबसूरती बढ़ाने के लिए यहाँ पे इसे अटैच कर देंगे ताकि और भी खूबसूरत लगे। ये देखिए लेस के साथ इसकी खूबसूरती बढ़ती जा रही है। चलिए हम यहाँ पे कोना बना लेंगे। ये देखिए चारों तरफ हम लेस लगा लेंगे। यहाँ पे हमें मुड़ जाना है। ये देखिए ये कंप्लीट हो चुका है, बस हमें बटन्स लगाना है। ये देखिए ये बटन्स है, ये भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। एक यहाँ हम लगा देंगे और दो यहाँ पे। ये देखिए ये बहुत ही खूबसूरत तैयार हो चुका है, बहुत ही कम समय में। ये आसान सा गला है, तो जाइए और आप भी बनाइए ये खूबसूरत बैक नेक लाइन। और हमें कमेंट करना ना भूलें, और नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो।